राम धारे सिंह दिन कर गीत अगीत। नाइन्थ क्लास हिंदी स्पर्श। लाइक चेंडी, शेयर चेंडी, सब्सक्राइब चेंडी। कविता आंध्र अम्मा। वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। जा, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब सोचने लगता है कि यदि भगवान उससे बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी अपने सपनों के गीत सुनाता। देते स्वर यदि मुझे विधाता अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। खा, जब सुख गाता है तो सुखी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता? जवाब, जब सुख गाता है तो सुखी का मन प्रसन्नता से फूल जाता है। वह उसके प्रेम में मग्न हो जाती है। उसके पंख फूल जाते हैं। उसके मन में स्नेह के गीत उमड़ते हैं। वह गा नहीं पाती। गा, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? जवाब, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की इच्छा होती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। वह चिप चिप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है। उससे प्रेमी के साथ मिलकर गीत गाने की इच्छा होती है। घ, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। जवाब, प्रथम छंद में नदी एवं गुलाब का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नदी विरह के गीत गाते हुए तेजी से बह रही है। वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। वह अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उससे बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। इन्या, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। जवाब, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का गहरा संबंध है। पशु पक्षी अपना भोजन एवं आवास के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। सुख और सुखी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। सुखी घोंसले में अंडे सेंकती है। सुख का स्वर पूरे वातावरण में गूंज रहा है। चा, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। जवाब, मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। मनुष्य जब नदी को कल कल बहते हुए देखता है तो वह उसके संगीत में खो जाता है। गुलाब की सुंदरता और घनी छाव मनुष्य के हृदय को आनंदित करते हैं। पशु पक्षियों का रूप एवं उनकी मधुर आवाजें मन को लुभाती है। छा, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। जवाब, गीत शब्दों की मधुर अभिव्यक्ति है। अगीत को गीत की पूर्ण स्थिति कह सकते हैं।
अगीत में विचार मन के अंदर होते हैं, वे बाहर नहीं आते। अगीत किसी भी क्षण गीत का रूप ले सकता है। मन की भावनाओं को स्वर ने मिले तो वह अगीत कहलाता है। मन की भावनाओं को स्वर मिल जाए तो वह गीत का रूप लेता है। जा गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। जवाब, गीत अगीत कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। इसमें पशु पक्षियों का प्रेम और मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध बताया गया है। इस कविता में नदी, गुलाब, किनारों के मध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य, सुख सुखी के मध्यम से जीव जंतुओं में प्रेम भाव का चित्रण किया गया है। कविता में मुखरित और मौन दोनों अभिव्यक्तियों को सुंदर बताया गया है। गीत सुनाने में अच्छा लगता है, साथ साथ अगीत की अनुभूति भी अच्छी लगती है। अलहा गीत गात ग्वाला उसकी प्रेमिका के मध्यम से मानवीय राग का चित्रण किया गया है। सेकंड, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। खा, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। जवाब, ये काव्य पंक्तियों गीत अगीत कविता पाठ से दी गई है। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। इन पंक्तियों में गुलाब की व्यथा वर्णित है। नदी गीत गाते हुए और किनारों से बातें करते हुए आगे बढ़ती है। गुलाब मौन खड़े सोचता है, यदि भगवान उससे बोलने की शक्ति दी होती तो वह दुनिया को अपने सपनों के बारे में कहा सुनाता। पतझड़ की व्यथा को सुना पता है। खा, गाता सुख जब किरण वसंती चूती अंग वर्ण से जनकर। जवाब, ये काव्य पंक्तियों गीत अगीत कविता पाठ से दी गई है। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। इन पंक्तियों में सुख और सुखी के प्रेम का वर्णन मिलता है। घने पेड़ की रूखा पर सुख बैठा हुआ है, उससे सूर्य की किरणों स्पर्श करती है। पेड़ की पंक्तियों से निकल कर आती किरणों से वह पुलकित हो उड़ता है। उस आनंद में गीत गाना आरंभ करता है। सुख जब बसंती का गीत गाता है तो सुखी आकर्षित होने लगती है। गा, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिदना यो मन में गुनती है। जवाब, प्रस्तुत पंक्तियों गीत अगीत कविता पाठ से ली गई है। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। इनमें प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन है। प्रेमी प्रेम गीत गाता है। वह गीत प्रेमिका को प्रेमी की ओर खींच लाता है। प्रेमिका उस गीत को गुप्त रूप से सुनती है। वह पुलकित हो जाती है। प्रेमिका सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा बन जाती तो कितना अच्छा होता। 3. निम्नलिखित उदाहरण में वाक्य विचलन को समझने का
प्रयास कीजिए। इस आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास लिखिए। उदाहरण, तट पर एक गुलाब सोचता, एक गुलाब तट पर सोचता है। ख, देते स्वर यदि मुझे विधाता। जवाब, यदि भगवान मुझे गाने का स्वर देता। ख, बैठा सुख उस घने डाल पर। जवाब, उस घने डाल पर सुख बैठा है। ग, गूंज रहा सुख का स्वर वन में। जवाब, सुख का स्वर वन में गूंज रहा है। घ, हुई ना क्यों में खड़ी गीत की। जवाब, मैं गीत की खड़ी क्यों ना हो सकी। इन्या, सुखी बैठ अंडे है सेती। जवाब, सुखी बैठ कर अंडे सेती है।